जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि एक मुसलमान परिवार में एक भक्तिमती नारी हुई है जिसका नाम था रबिया। रबिया ने कहा है, मेरे प्राणनाथ, यदि स्वर्ग की कामना से मैं तुम्हारा भजन करती हूँ तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दो, और यदि नरक से डर से मैं तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे नरक की ज्वाला में भस्म कर दो। पर यदि मैं तुम्हारे लिए भजती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे मिल जाओ। कैसा सुंदर भाव है। सचमुच जिस दिन उनके लिए मनुष्य उनको भजने लगता है, फिर उस भजन में एक अपूर्व स्वाद होता है, विलक्षण मिठास होती है। भजन प्राणों से बढ़कर प्यारा लगता है, पर ऐसा सहसा किसी किसी महात्मा के जीवन में ही होता है। क्रमशः विकास ही साधारणतः देखा जाता है। अतः सर्वथा चित्त से उनके लिए उन्हें भजने का प्रयास कीजिए, अर्थात सर्वथा सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर उनके चरणों में न्योछावर होने का ही उद्देश्य रखकर उनका भजन कीजिए। लौकिक परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी आएं, उन्हें उनका विधान समझकर अतिशय प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। यह करना पड़ेगा। उनकी कृपा का आश्रय लेकर अपने जीवन को साधना को उतारना पड़ेगा। उतारेंगे वे ही, उनकी दया ही सब करेगी, पर उसके लिए अपना हृदय खोलकर उनके सामने करना हम लोगों का काम है। वे आपके हैं और आप उनके हैं। वे आपके हृदय धन हैं और आप उनके हृदय धन हैं। इस मधुर तक संबंध को हृदय में बार बार जागृत कीजिए। मलिन से मलिन हृदय को ही उनके सामने कीजिए। वे अपने लायक उसे बना लेंगे, अवश्य बना लेंगे। उनकी कृपा का पार नहीं है। देखिए, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर न तो कोई शंका उठेगी न कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण हमारी भगवान नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार जबरदस्ती भगवान का नियम, भगवान के नाम लेने का नियम बनाकर देखिए तो सही। फिर किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वयं सत्य का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेंगे। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाइएगा। देखिए, यदि कोई कहता है कि हमसे भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता ही नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। यह कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच भगवान में लग गया हो। पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। सत्य तो यह है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है, उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का भी अधिकार आपको नहीं है। देखिए, मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, यह चेष्टा करनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा, उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता, तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे उन्नति होगी ही। प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रजभूमि जिनको मिल गई, उन्हें चाहिए कि ब्रजभूमि में, ब्रजराज दुलारे में, विश्वभानु दुलारी में मन को रमा दे। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है।
अतिशय गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये ही संस्पृजा भोगा दुख योन्य एवते। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर नित्य आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। दो बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है, पहला शारीरिक सुख का एवं दूसरा नाम का। शरीर को मन चाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो, ये दो मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें आपकी लोगों में खूब प्रसिद्धि हुई, लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की, आप बड़े इज्जतदार समझे जाने लगे, विवाह शादी में ये बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं, इस प्रकार लोगों ने वाहवाही की, ये बड़े विद्वान हैं, व्यवहार कुशल हैं, इस प्रकार जहाँ भी जाएं वहीं प्रशंसा हो, उससे आप भी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन सोचें, वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से आपका क्या बनता है? इसके पहले अनंत जन्मों में अनंत नाम आपके हो गए हैं, पता नहीं आपका कितना सुयश गाया जा चुका है, पर आज आपको उसकी स्मृति भी नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु इस नाम से भी आपका संबंध अवश्य ही तोड़ देगी, उस समय आप सर्वथा इस नाम को भूल जाइएगा। शरीर की भी यही दशा है, इसे कितना भी आराम में रखिए पर इससे संबंध टूटना अनिवार्य है। इसके पहले भी तो शरीर था और वह छूटा था, वह सुख से था अथवा दुख से था, इस बात को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती। इसी तरह इस शरीर की भी इसके छूटने के बाद सर्वथा विस्मृति हो जाएगी। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि इन दोनों वस्तुओं से मन हटाया जाए। नाम रूप के मोह की परिस्थिति संसार में सभी के सामने आती है, आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जिससे आप चिंतित होते होंगे कि अब तो इज्जत गई और खाने पीने को भी नहीं रहेगा। आर्थिक प्रश्न को लेकर आपके मन में इस प्रकार की चिंता होनी संभव है, तथा कुछ देर के लिए ही सही भजन को गौण बनाकर इज्जत की रक्षा एवं शरीर निर्वाह को मुख्यता देकर उसके लिए चेष्टा करते होंगे। पर इन परिस्थितियों की उपेक्षा करें, इनमें जरा भी सार नहीं है, बस जैसा भगवान ने रच रखा है वह हो जाएगा, ऐसा दृढ़ निश्चय एवं विश्वास करके सर्वथा उपराम होकर आत्मकल्याण में लग जाना चाहिए। जय श्री राधे।